ऑपरेशन गुरदासपुर के पिंड अब्बल खैर च एक घर की छत उपरों लंघदी हाई वोल्टेज तार की लपेट में आ के एक औरत बुरी तरह झुलस गई है। करंट लगन करके उसकी हालत नाजुक होने से डॉक्टर ने उसनु अमृतसर रैफर कर दिता। दूसरे पास इस घटना का जो लोगों को पता लगा तो वड्डी गिनती इकट्ठे हुए पिंड वासियों ने पावर खोन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस संबंधी जानकारी देंदे जख्मी हुए पीड़ित औरत के पति गुलजार मसीह ने दसिया है कि पिंड च घर छतों तो हाई वोल्टेज बिजली तारा लंघदियां हैं, जिस संबंधी कई बार पावरकॉम के अधिकारियों सूचित भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि तारा हटाने लई वह बनती पेमेंट भी पावरकॉम को जमा करवा चुके हैं, पर इसके बावजूद तारा नहीं हटाई गई हैं, जिसके चलद ही यह हादसा वापरिया है। उधर दूसरे पास अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने तारा हटाने का काम शुरू किया, पर नेड़े पिंड किसी व्यक्ति के काम में अड़चन पैदा की गई थी, जिस करके तारा हटाने लई काम रुकिया है। गल ए हुई है जी, कोठे ते चढ़ गई ते ओ बत्ती दी तारा ना लग गई आ, मेनू तो कोई पता नहीं एदे बारे पे की ए ना आखिर कित तरह लग गई। किन बत्ती उड़ी यार, किन्नी वोल्टेज दी तार है? ए सब तो हैवी वोल्ट है, हाई वोल्टेज दी। की ना ताडी पत्नी दा? एदा नाम प्रवीण आ। प्रवीण आ, हां जी। ते तुसी किस नु इसदा कसूरवार मनदे हो? नुकसान हो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसे हम दे चुके हैं, तो एम्बुलेंस मंगवा लिया, पेशेंट इज शिफ्ट हो रहा है। बस पिंड वासियों ने चेतावनी दी है कि जेकर तारा ना हटाईया गई तो उन्होंने वालों होर भी वड्डे पद्धर ते रोस प्रदर्शन किया जाएगा। गुरदासपुर तो सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।